आज मैं बना रही हूँ चिकन के पकौड़े। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। लेफ्ट साइड पे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं, उसे दबाना ज़रूरी है, उसके बगैर आपको मेरी न्यू रेसिपीज़ नहीं मिलेंगी और ये फ्री है। आए आप बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है चिकन। ये चिकन मैंने 250 ग्राम लिया है, यानी 1 पाव चिकन लिया है। और देखिए मैंने इस तरीके से स्ट्रिप्स काटी हैं और ये बोटी काटी है। आपको जो भी शेप पसंद हो वो काट लें, इसमें कोई फिक्स नहीं है। जैसा भी शेप आपको अच्छा लगे आप वैसे काट लीजिएगा चिकन को। अब इसके चिकन के अंदर मैं डाल दूंगी काली मिर्ची और नमक, मैंने दोनों को साथ पीस लिया है। ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है फुल भर के। और देखिए काली मिर्ची और नमक को आप साथ पीसेंगे, उससे जो है काली मिर्ची का एसेंस उड़ता नहीं है। अब उसके बाद मैं डाल देती हूँ इसमें 1 टेबल स्पून मैदा। देखिए मैदा इसी तरीके से आप छिड़क छिड़क के डालेंगे और डालने के बाद इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब इसे मैंने मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून लहसुन, पीसा हुआ लहसुन लिया है मैंने, और इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया है और अब इसे हम चिकन को 15 मिनट के लिए रख देंगे। इतनी देर हम इसकी पेस्ट बना लेते हैं। इसकी पेस्ट के लिए चाहिए 1/2 कप मैदा और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून चावल का आटा। ये ज़रूरी है इसमें डालना, इससे जो है बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। पिसा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून और इसके बाद अब मैं डाल दूंगी इसमें बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून और नमक 1/2 टीस्पून। डालने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे जो है वो इसकी पेस्ट में पानी डालते हैं। देखिए पानी आप आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे और बहुत अच्छी तरीके से इसे पेस्ट को बनाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता स्टार्टिंग में डालेंगे, पतला ज़्यादा पतला नहीं कर लीजिएगा। और देखें जैसी इसमें गुठलियाँ हैं, ये गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ये देखें गुठलियाँ हैं, इन गुठलियों को हम ख़त्म करेंगे इस तरीके से, ये गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और देखें मैंने शॉर्ट में वीडियो दिखाई है आपको, ये देखें अब जो है ये पेस्ट बिल्कुल ऐसी ही सेम पेस्ट आपकी बननी चाहिए, ना ये पतली है और ना ये बहुत गाढ़ी है। अब हम फ्राई करने की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहले जो है हम तेल का टेम्परेचर देखने के लिए इस तरीके से एक पकौड़े को डिप करके और डाल देंगे। जब ये हो जाएगा तो हमारा जो तेल है वो परफेक्ट जो है वो गर्म हो जाएगा। उसके बाद जो है हम सारे डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए अब ये हो जाएगा, मैं निकाल लूँगी इसे, निकाल लिया मैंने। और देखिए अब इस तरीके से हम डालेंगे। देखिए इस तरीके से आप फुल डिप करेंगे इसे और डिप कर करके 1 बाय 1 डालते रहेंगे। मैंने सारे डाल दिए हैं, अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। और देखिए शुरू में हम जो है स्टार्टिंग के अंदर आग को तेज़ रखेंगे और उसके बाद जो है हम मीडियम कर देंगे फ्लेम को, ताकि ये अच्छे क्रिस्पी हो जाए और इनका कलर जो है वो गोल्डन हो जाए। अब देखिए कितने गोल्डन हो गए हैं और बिल्कुल क्रिस्पी हो गए, रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ, ये रेडी हैं। और देखें लास्ट में मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आग जो है जब निकाल रहे हैं वो पकौड़े, तो तेज़ आग कर लें, उससे जो है वो पकौड़े तेल छोड़ देते हैं और टिश्यू पर तेल नहीं आता। आग को तेज़ कर दिया और पकौड़े निकाल लिए हैं, तो बिल्कुल आप इस तरीके से ही करिएगा। और ये पकौड़े जो हैं वो चिली गार्लिक केचप साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर से ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि आप आइंदा भी ऐसी क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।